यूक्रेन को मदद करने वाले देशों को पुतिन की डायरेक्ट धमकी आ चुकी है। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ, जो पुतिन ने धमकी वाले शॉर्ट्स हैं। जो भी देश यूक्रेन युद्ध में दखल देगा उसे तीखा जवाब मिलेगा, पुतिन ने कहा। ये कल रात के शॉर्ट्स उनके देखे। हम जरूरत पड़ने पर अपने हर औजार का इस्तेमाल करना जानते हैं, पुतिन ने यह भी कहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो टू विंडो शॉट्स में आपको पुतिन के दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से पुतिन का ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है। लेकिन 24 घंटे पहले कुछ और हालात थे। ये दो तस्वीरें आपको देखें जरा किस तरीके से, जब वो जिमनास से मिल रहे थे, आप क्या ऐसा राज थे वो छुपा रहे थे, उनके चेहरे पर कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा था दैट ही हैज समथिंग अप हिज आर्म्स। लेकिन यहां पर अब जो तस्वीर है वो एकदम बदली हुई सी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर पुतिन जो हैं वो पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में हैं, धमकी दे रहे हैं। आइए जरा बिग वॉल पर, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आइए प्ले ऑन करें। यह जानकारी, धमकी और वजह, यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करने वाले देशों को तेज प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, यह पुतिन ने कह दिया है। राहुल इसको ब्लॉक को जूम इन करें। यहां पर यह पुतिन का जो स्टेटमेंट है यह बहुत मैटर करता है। वजह क्या है? पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे रहे हैं, यह वजह साफ है। मैं चाहूंगा पुतिन को दिखा दे रहे हैं। और प्लीज टिकर पे ब्रेकिंग ऑन रखें। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन जो आपको बताना चाहूंगा, चेंज करें, क्या धमकी दी है पुतिन ने यह देखना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुतिन ने कहा। वजह, पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद के साथ अब खुलकर कह रहे हैं कि रूस को कमजोर करना और हराना जरूरी है, ये इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चेंज करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका फैसला पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। मैं आपको वही एग्जैक्ट वर्डिंग जरा ढूंढ के बता रहा हूं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनके ये वर्ड्स हैं कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है। और इनके एग्जैक्ट लाइन ये है, आप जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रूस को यूक्रेन के ईस्ट में नाकामी मिल रही है और यूक्रेन के हमले से उबर नहीं पा रहे हैं, ये वेस्टर्न ऑफिशियल्स कह रहे हैं। वो जो लाइन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। पुतिन ने कहा है और ये इंफॉर्मेशन है कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, आप ऑल डिसीजंस ऑन व्हाट दैट रिस्पांस वुड बी वुड इंक्लूड हैड ऑलरेडी बीन मेड। ये पुतिन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं सीधे लेकर चलूंगा यहां पर हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले जनरल माथुर, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? जनरल ध्रुव कटोच सर, आई कम टू यू सर फॉर दिस। पुतिन का ये जो थ्रेट है कितना सीरियस है? बताया ये जाता है कि अगर पुतिन को कॉर्नर करेंगे तो पुतिन रिटेलिएट करेंगे। क्या पुतिन को वेस्टर्न अलायंस ये एक्स्ट्रा हथियार देकर, ये सारी घटनाओं को अंजाम देकर कॉर्नर कर रहा है? निशांत शुक्रिया। पता है कि जिस प्रकार से वेस्टर्न नेशन जो है, खास करके जो ब्रिटेन ने धमकी दी है कि जब तक रूस के तमाम सोल्जर्स यूक्रेन से हट नहीं जाएंगे ये युद्ध चलता रहेगा, ये मैं समझता हूँ एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है उनकी तरफ। अनुज माथुर सर, योर टेक ऑन इट, क्या ऐसा लगता है कि नेटो कंट्रीज जो नए फ्रेश वेपन्स दे रहे हैं, जिस तरीके से चीजें सप्लाई कर रहे हैं, ये पुतिन को कॉर्नर कर रहे हैं और ये एस्केलेट कर सकता है मामला? निशांत, पहली बात थैंक यू, हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर यू टू हैव प्रूव्ड दैट यू आर सिंपली द बेस्ट विदाउट एनी डाउट। नाउ Sir, thank you very much. The credit should go to the team and our managing editor. He's absolutely brilliant, sir. Please go ahead, sir. So are you and your team. Thank you, sir. Thank you. Okay. तो मैं अच्छा जो मैं आपको ये बता रहा था, ये स्टेटमेंट जो है एक एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखें कि क्या कितने दिनों से, 64 दिन से यही बात चली आ रही है लगातार कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पा रहा है ऑन ग्राउंड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।